लगता है नया आया है विजयनगर, वरना शिकारपुर के रतन चौधरी से नजर मिलाने की हिम्मत क्यों करेगा? अरे बाजू हट, सड़क को चमन समझ रखा है क्या? बताता हूं, नया आया है क्या शहर में? बताता हूं, नाम क्या है तेरा? वो भी बताता हूं। याद रख, मेरा नाम सूरज है, मतलब उजाला। अरे इन डाले मारपीट, चल थाने। हवलदार दूर से बात कर, मैं भी फौजी हूं, कर्नल जनरल से बात की है। तेरा इंस्पेक्टर किस गिनती में? नाम क्या है? सूरज सिंह। बाप का नाम? वीर सिंह। पता? शिकारपुर। पेशा? लड़ाई करना। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। फौजी हूं, लड़ाई करना मेरा पेशा है इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर इकबाल खान स्पीकिंग। रतन साहब, मैं छानबीन कर रहा हूं। हाँ हाँ, जरूरी कार्रवाई करूंगा जी। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? छोटा सा सवाल है, टेढ़ा नहीं। पूछिए। आपके बाप का नाम क्या है? अकबर खान, वतन शिकारपुर, पेशा लड़ाई करने वालों को सजा दिलवाना। इकबाल, तू? सूरज। भाई सूरज। हवलदार, जाओ जाके दुलसी लेके आओ। ठीक है साहब। बुआ कैसी है? माँ हज पर गई है, हर रोज तेरी जिंदगी के लिए दुआएं मांगती थी, कह रही थी तेरी वापसी के लिए काबितुल्लाह का गिलाफ पकड़ कर दुआ मांगोगी, तुझे देखकर बहुत खुश होगी। तुझे फौज में वापस कब जाना है? मैंने नौकरी छोड़ दी है एक बार। क्यों? मैं बचपन की अधूरी कहानी पूरी करने आया हूं। सूरज, वो सब बचपन की बातें थी, भूल जा। भूल जाऊं? क्यों भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? मुट्ठी भर लोग लाखों करोड़ों मजदूरों और किसानों पर खौफ बनकर छा गए हैं। कपड़े के कारखानों में काम करने वाले मजदूर को देखा है तूने? तन ढांकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता उसे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग और मकान बनाने वाले मजदूर को देखा तूने? सर छिपाने के लिए झोपड़ा नसीब नहीं होता उसे। और खेतों में अनाज पैदा करने वाले किसान को देखा तूने? दो वक्त की रोटी नहीं मिलती उसे, दो वक्त की। सूरज, मैंने वो सब कुछ देखा है, सब कुछ। और ये भी देखा है कि अक्ल, दौलत और ताकत की ही जीत होती है।
तेरे पास क्या है? हाँ, जो तू समाज से टकराना चाहता है, क्या है तेरे पास? हिम्मत, हिम्मत है मेरे पास, और ये शिकारपुर के चौधरी के लिए काफी है। चौधरी की पहुंच कहां तक है तू नहीं जानता, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। सूरज, इस बार मामला मेरे हाथ में है, रफा दफा कर दूंगा, मगर आगे शायद कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूं। तो ये भी जान ले, ये इलाका मेरा है और मैं अपने इलाके में तेरी कोई भी धांधली नहीं चलाऊंगा। धांधली नहीं, बाकायदा जंग होगी, और जंग में सब कुछ जायज होता है। आप अपनी ड्यूटी कीजिए और मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, वाह, कितना हसीन हादसा है। भगवान ने बड़ी फुर्सत से तुम्हें बनाकर मेरी झोली में डाल दिया। हाँ हाँ, मुफ्त का माल है, ले जाओ अपने घर। ले जाऊंगा, जरूर ले जाऊंगा एक दिन मिस खूबसूरत। ओ बादशाह, एक दिन क्यों, अभी ले चलो, बारात भी हाजिर है। क्यों भाई? अरे कोई है? ओ मेरा बाबू छेल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो। हाय, क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, क्या खराब जमाना आ गया। अरे मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। सुना है यहाँ खाने सोने का इंतजाम है? है, और साथ में कंडीशन भी है, रातों में देर से नहीं आना। नहीं आऊंगा। किसी लड़की को यहाँ नहीं लाना। नहीं लाऊंगा। हम लोगों को देखकर दीदे लाल नहीं करना। तुम्हारे साथ और कौन रहता है यहाँ? मेरी मालकिन, शन्नो नाम है उसका। वो भी तुम्हारी जैसी है क्या? मजाक कर रहे क्या? मैं तो संभाल लूंगी, उसके साथ ताक झांक करेंगे तो नाक नक्शा बिगाड़ देंगी। हाँ, बहुत गर्म है। चलेगी। क्या कहा? मेरा मतलब है, मुझे मंजूर है। तो फिर जाओ अंदर, कमरा नंबर 3 तुम्हारा है। अरे आती हूँ, आजकल के लड़कों को हॉर्न बजाने की सिवा कुछ आता है? क्या खराब जमाना आ गया। देख लूंगा, मैं भी देख लूंगा। देख चुका। अरे क्या यही है तुम्हारी मालकिन शन्नो? अरे जोर को बुलाए जैसे आधे नाम से बुला रहे हैं, मतलब क्या है? मतलब ये कि उसकी थोड़ी जमा मर्दी तुम ले लो और तुम्हारी थोड़ी नजाकत उसे दे दो। हटो भी, क्या खराब जमाना आ गया।